तो वेलकम गाइस गाजर, कुछ ऐसे सेटिंग आप लोग को जरूर से करना चाहिए जिसको करने के बाद आपका ऑटो हेडशॉट लगने लगेगा। और हाँ गाइस, इन सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका ऑटो हेडशॉट 100% नहीं 200% लगेगा, क्योंकि इन सभी सेटिंग को बड़े बड़े प्लेयर भी यूज करते हैं। पर्सनली मैं भी इसको यूज करता हूँ तभी मेरा हेडशॉट लगता है। और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जब से मैंने इस सेटिंग को ऑन किया है तब से मेरा हेडशॉट में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके गाइस, घबराने का कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सारा सेटिंग बताऊंगा। और हाँ गाइस, सारे के सारे सेटिंग इंपोर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना। तो गाइस, सबसे पहला सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल का सेटिंग बार में जाना, वहां पे सर्च में लिखना आप पॉइंटर स्पीड, और फिर पॉइंटर स्पीड वाले सेटिंग को आप 100% फुल पर सेट करना। देन सेकंड नंबर को करने के लिए फिर से जाना आप मोबाइल का सेटिंग में। देन यहां पर आप अबाउट वाले सेक्शन में आना। देन यहां पर बिल्ड नंबर पर 3 से 4 बार टेप टेप करते जाना। इस तरह टेप टेप करने पर आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए आपका मोबाइल का सेटिंग में सर्च बार पर लिखना डेवलपर ऑप्शन। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग ढूंढना होगा, स्मॉलेस्ट विड्थ। अब इस सेटिंग में जितना भी बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल पर सेट होगा उससे 100 बढ़ा देना। मेरे में यहाँ देख सकते हो 400 पर सेट है, मैं इसको बढ़ा करके 500 पर सेट करूंगा। जस्ट इसी तरह से आप भी सेट कर लेना। ओके गाइस, इतना करने के बाद अपने गेम के सारे सेंसिटिविटी सेटिंग को 100 पर सेट करना। अगर आप बाकी सेंसिटिविटी सेटिंग को नहीं भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग और जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को जरूर से 100 पर सेट करना। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपको लास्ट सेटिंग करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अपने राइट फायर बटन को आप सेट करना 50 पर। अगर आप मोबाइल प्लेयर हो तो अगर आप टेप से खेलते हो तो आप उसको 30 या 40 पर सेट करके रख सकते हो। इतना करने के गाइस आप यकीन नहीं करोगे, आपका हेडशॉट पानी की तरह लगने लगेगा। बाकी आई होप कि इस वीडियो से बहुत ज्यादा ही हेल्प हुआ होगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।